उसकी कोई गलती ना थी, फिर भी उसने खुद को अकेला पाया। न उसे जमाना भाया, न जमाने को वो भाया। कूड़े की ढेर में कीचड़ की सेज पे उसने अपना भोला भाला मासूम सा बचपन बिताया। अब तो आप समझ गए होंगे हम किसकी बात कर रहे हैं। वही तस्वीर जो आपके सामने चल रही है, ये उन्नाव जिले के नन्हे बच्चे हैं जो कूड़े की ढेर में अपना भविष्य ढूंढ रहे हैं। जिन नन्हे हाथों में किताबें और खिलौने होने चाहिए, वो हाथ लोहे को पीट पीट कर आकार दे रहे हैं। शिक्षा तो दूर की बात है, ये मासूम तो वक्त की रोटी के लिए दर दर भटक रहे हैं। इतना ही नहीं, हालात के मारे ये मायखाने में शराब भी परोसते हैं। हम लोग इसके मारे बिनते हैं, पैसा नहीं है। अच्छा, तो कहाँ रहते हो, क्या काम करते हो? लुहा पीटते हैं। तो अच्छा पढ़ने उड़ने का मन करता है कि नहीं करता? करता है, लेकिन जो है। अच्छा, ये बताओ, क्या स्कूल जाने का मन करता है? करता है। क्यों नहीं पढ़ पा रहे? पैसा नहीं है। अच्छा, कई जगह देखा जाता है कि बाल श्रम करते हुए बच्चे पाए जाते हैं, उनके लिए किस तरह कोई अभियान चलाया जा रहा है, क्या किया जा रहा है? जी, जो हमारी टीम गठित है उसके अनुसार जो भी शिकायत आती है उस पर हमारी कार्रवाई, जो भी निरीक्षण टीम है। क्या यही देश की हकीकत है? क्या यही है देश का आने वाला भविष्य? इन नौनिहालों के सपनों को सच करने के लिए सरकारी तंत्र योजनाएं तो बनाता है, लेकिन ये योजनाएं मात्र सरकारी पन्नों पर सिमट कर रह जाती हैं। जिस भारत निर्माण का सपना चाचा नेहरू ने देखा था, क्या उस भारत का निर्माण हो पाएगा? उन्नाव से वीरेंद्र यादव, ईटीवी भारत।